हेलो दोस्तों, मैं हूं ललित मोहते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे एक्साइटमेंट बढ़ाने वाले टॉपिक पे बात करने वाले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आज की जनरेशन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो सकता है और उन्हें वीडियो पसंद भी आ सकती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें और शेयर करना भी मत भूलें। ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का इसे शेयर करोगे। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो एक रिसर्च के बेस पे, और ये जो रिसर्च है वो रिसेंटली हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक रिसर्च रिपोर्ट में पाया गया है। और हम सभी को पता है कि पेटा जो है वो जाना जाता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पेटा ने क्लेम किया है उस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूँ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और चलिए देखते हैं उस रिसर्च को। आप सभी को पता है हमारी जो फैमिलीज होती है, मोस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो अल्कोहल को लेके कितनी स्ट्रिक्ट होती है। वो अपने बच्चों को बार बार बताती रहती है कि अल्कोहल कंजम्पशन है वो प्लीज़ मत करना या ज़्यादा मत करना, क्योंकि इसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वो डैमेज हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ डैमेज हो सकती है, आपको बहुत सारे टाइप के जो बीमारी आ सकती है। लेकिन जो पेटा है उसने जो क्लेम किया है वो बहुत ही हिलाने वाला है, और मुझे पक्का यकीन है कि आप सबको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात हो सकती है अगर आप ड्रिंक करते हो। क्योंकि पेटा ने जो क्लेम किया वो ऐसा है कि The beer is better for you than milk. The beer is better for you than milk. ऐसा क्लेम है पेटा ने किया हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इसी क्लेम को डीप में स्टडी करने वाले हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेटा ने जो क्लेम किया है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इसे अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा लिखा है कि बियर जो है वो मिल्क से ज़्यादा बेटर है, और स्टडीज़ का ऐसा मानना है कि बियर की वजह से हमारे जो बोन रहती है, हमारी हड्डियाँ रहती है, वो स्ट्रांग होने में हेल्प होती है और हमारी लाइफ बढ़ने में भी हेल्प होती है। और मिल्क जो होता है वो ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कैंसर की मात्रा जो है वो बढ़ा सकता है। तो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डोंट ड्रिंक मिल्क, ये जो क्लेम है वो किया हुआ है पेटा ने। और एक क्लेम करके पेटा ने हम जो बचपन से सुनते आते हैं कि मिल्क हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, मिल्क हमारी बॉडी को हर जगह से डेवलप करने में हेल्प करता है, हमारी ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, ये जो बचपन से हम लोग बातें सुनते आए हैं उस सबको रॉन्ग साबित करते हुए पेटा ने एक क्लेम किया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो कि 7 दिसंबर को रिलीज हुआ था, उस आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि जो बियर जो है वो स्टडीज़ के मुताबिक मक्का, गेहूँ और जो राइस होता है उनसे बनती है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा जो हमारे बॉडी के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं, और उसमें होते हैं सोल्युबल फाइबर्स, कैल्शियम और आयरन और बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स। और स्टडीज़ का ऐसा भी कहना है कि जो बियर होती है वो एक टाइप से एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करती है। बियर के और भी बेनिफिट दिखाते हुए इस स्टडीज़ में ऐसा बताया गया है कि बियर जो होती है वो हमारी बोन हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसमें जो डाइट्री सिलिकॉन होता है वो हमारे बोन के ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और मिल्क जो होता है वो हमारी बॉडी में कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ सीरियस इश्यूज जो होते हैं वो बढ़ा सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो, ओबेसिटी बढ़ा सकता है, डायबिटीज़ बढ़ा सकता है और कैंसर भी बढ़ा सकता है। मिल्क जो होता है वो हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करता है, वैसे ही उसमें कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लैक्टोज की मात्रा भी ज़्यादा होने के कारण ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और बियर जो होती है वो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा रेज करती है, ज़्यादा बढ़ाती है, जिस कारण हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हमारे बॉडी हेल्थ को जो डैमेज होता है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही में ये हमारे ब्लड को क्लोटिंग होने से रोकती है। सो एंड ऑफ द वीडियो, इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच सकते हैं कि जो पेटा ने जो क्लेम किया है उसके हिसाब से बियर जो होती है वो दूध के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। पर याद रखें दोस्तों, कोई भी चीज़ का जो एक्सेस होता है वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक रह सकता है। कोई भी चीज़ आपको पता है, अगर हम लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो आपके बॉडी को, आपके डेली लाइफ को वो डिस्टर्ब कर सकता है।
तो प्लीज लिमिट में पिए। सो एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक नॉन अल्कोहलिक पर्सन हूँ, मैंने आज तक कभी ड्रिंक नहीं किया है, ना ही उसे चखे भी देखा है। तो मैं आपको ये प्रमोट, मैं इस वीडियो में ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको बियर पीना चाहिए और मिल्क आपको नहीं पीना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये जो पेटा का क्लेम है इसकी बारे इसके इसको हमने डीप स्टडी किया है और मुझे पता नहीं इसके पीछे कितना रिसर्च हुआ है, एक क्लेम करने से पहले पेटा ने कितना रिसर्च किया है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको बियर पीनी है या मिल्क पीना है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया है, हम लोगों ने बस रिसर्च को स्टडी किया है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूले, शेयर करना मत भूले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस आर्टिकल की भी लिंक दे रहा हूँ जो पेटा का क्लेम है और जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल रिलीज किया था उसकी भी मैं नीचे गूगल की लिंक दे रहा हूँ, आप उसे जरूर पढ़े। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूले, लाइक करना मत भूले। तो पेटा के इस रिसर्च से पहले हम लोग बोला करते थे ड्रिंक मिल्क एंड हेल्दी रहो, फिट रहो, लेकिन अभी ये जो पेटा का जो क्लेम है ये जाने के बाद हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ड्रिंक बियर एंड स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक यू सो मच।